हेलो बच्चों, इस एपिसोड विच तुसी ओरिजिनल एंट्री दियां बुक्स विच ट्रांजैक्शंस दी रिकॉर्डिंग अते विशेष उद्देश दियां बुक्स कैश बुक्स बारे सीखोगे। ओरिजिनल एंट्री बुक्स जर्नल एक जर्नल प्राइम एंट्री दी बुक है जिस विच ट्रांजैक्शंस नू डेट दे अनुसार मेमोरेंडम बुक तो कॉपी किया जाता है। रॉबर्ट एंथनी दे शब्दां विच अ जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस शोइंग द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स दैट आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड द अमाउंट्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एंड एनी यूजफुल सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शंस। इट इज एनालॉगस टू अ डेरी। एक जर्नल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस दा मिति क्रम अनुसार रिकॉर्ड है जो अकाउंट्स दे नाम दर्शाउंदा है जो के डेबिट जा क्रेडिट कीते होंदे हन। डेबिट अते क्रेडिट अमाउंट्स अते ट्रांजैक्शंस बारे कोई भी लाभदायक सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रदान करदा है। ए एक डायरी दे समान हुंदा है। जर्नल दियां मुख विशेषतावां हन। ए ओरिजिनल एंट्री दी एक बुक है क्योंकि इस बुक विच ट्रांजैक्शन नू पहले पन्ने ते दर्ज कीता जांदा है। इस नू डे बुक जां डायरी भी कहा जांदा है क्योंकि इस विच ट्रांजैक्शंस रोजाना दे आधार ते कीतियां जांदियां हन भाव के जदों वी ओ वापरदियां हन। जर्नल केवल एक सबसिडरी बुक है। लेजर दे अधीन ए अकाउंट्स दी प्रिंसिपल बुक है। इस सारियां ट्रांजैक्शंस दा एक मिति क्रम अनुसार रिकॉर्ड रखती है भाव के अक्रेंस दे अनुसार तरतीब विच। जर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस दी पूर्ण तस्वीर देंदा है अते इस तरह ट्रांजैक्शन दी पहचान नू बनाई रखता है। ट्रांजैक्शन दे अमाउंट नू साइड बाय साइड दोना डेबिट अते क्रेडिट ते रिकॉर्ड कीता जांदा है। ए बुक्स ऑफ अकाउंट दी अर्थमैटिकल एक्यूरेसी नू बनाई रखण विच सहायता करदा है। जर्नल एक ट्रांजैक्शन विच शामिल दो एस्पेक्ट्स डेबिट अते क्रेडिट विचकार संबंध नू दर्शाउंदा है। जर्नल विच हर एक एंट्री दी व्याख्या होंदी है जो के ब्रीफली ट्रांजैक्शन दी ट्रू नेचर अते ट्रांजैक्शन दे संबंध विच वर्णन करदी है। एक जर्नल द्वारा कीते जाण वाले काम हन। जानकारी दे परमानेंट सोर्स दे तौर ते हर एक ट्रांजैक्शन दी पहचान नू बनाई रखण लई डेबिट अते क्रेडिट विच हर एक जानकारी नू एनालाइज करन लई तां के लेजर विच उना दी पोस्टिंग नू यकीनी बनाया जाए अते ट्रांजैक्शंस नू मिति क्रम अनुसार अरेंज करन लई भाव के मिति दे अनुसार। जर्नल लिखण लई सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अकाउंटिंग कुछ जरूरी फाइनेंशियल जानकारी रखता है इसलिए जर्नल विच डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दा होना लाजमी है। कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो फाइनेंशियल जानकारी मुहैया करवाउंदे हन ओ हन इनवॉइस कैश रिसिप्ट काउंटर फॉयल और पेन स्लिप चेक कैश मेमो। आओ हुण असी जर्नल दे फॉर्मेट दे एक चार्ट पाउंदे हाँ। जर्नल नू पंच कॉलम्स विच वंडिया जांदा है। ए कॉलम्स हन डेट पर्टिकुलर्स। इस कॉलम विच हर एक ट्रांजैक्शन लई तीन चीज़ां नू लिखिया जांदा है डेबिट क्रेडिट नरेशन लेजर फोलियो डेबिट अते क्रेडिट राशि।
डेट इस कॉलम विच साल नूं सब तों उपर लिखिया जांदा है, फिर महीना अते महीने दी मिती नूं निरंतर एंट्रीज लई रेपिटेशन दी लोड़ नहीं होंदी जदों तक एक नवा पेज जां एक नवे महीने नूं शुरू नहीं कीता जांदा। पर्टिकुलर्स इस कॉलम विच हरेक ट्रांजैक्शन लई तीन आइटम्स नूं लिखिया जांदा है, डेबिट किते जाण वाले अकाउंट दे नाम नूं पहली लाइन विच अते प्रचलित तौर ते एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ते रखिया जांदा है, भाव के डेट कॉलम दे नेड़े एब्रीविएशन DR दे नाल सेम लाइन ते अकाउंट दे नाम दे उलट एब्रीविएशन DR नूं LF कॉलम दे नेड़े लिखिया जांदा है। क्रेडिट किते जाण वाले अकाउंट नूं अगली लाइन विच प्रीफिक्स 2 दे नाल डेट कॉलम तों लगभग 1 सेंटीमीटर दूर लिखिया जांदा है। नरेशन अंतम अकाउंट नूं क्रेडिट करन तों तुरंत बाद एक नरेशन दित्ती जांदी है। नरेशन ट्रांजैक्शन दी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। ए हर एक नूं जो जर्नल एंट्री विच्चों दी गुजरदा है ट्रांजैक्शन बारे एक आइडिया देंदा है। नरेशन नूं ब्रैकेट्स अंदर लिखना प्रचलित है। नरेशन तो बाद केवल पर्टिकुलर्स कॉलम दे अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जांदी है जो जर्नल एंट्री नूं दूजी एंट्री तो अलग करदी है। लेजर फोलियो LF इस कॉलम विच लेजर पेज नंबर लिखिया जांदा है जिथे एक पर्टिकुलर अकाउंट नूं पोस्ट कीता जांदा है। ए लेजर विच पोस्ट कीते वक्-वक् अकाउंट्स दे क्रॉस रेफरेंस नूं कन्वीनिएंट बनाउंदा है। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट डेबिट अते क्रेडिट दे उलट क्रमवार इना कॉलम्स विच डेबिट अते क्रेडिट अमाउंट्स नूं दर्ज कीता जांदा है। की तुसी जानदे हो स्पेशल पर्पस बुक्स जां स्पेशल जर्नल्स की होंदे हन? स्पेशल जर्नल्स ओ जर्नल्स होंदे हन जिस विच सिमिलर नेचर दियां ट्रांजैक्शंस नूं दर्ज कीता जांदा है। स्पेशल जर्नल्स नूं सब्सिडियरी बुक्स जां डे बुक्स वी कहा जांदा है जदों के प्राइम एंट्री दी एक बुक विच केवल बहुत सारियां ट्रांजैक्शंस नूं रिकॉर्ड करना मुश्किल है। जर्नल नूं बहुत सारियां सब्सिडियरी बुक्स विच वंडिया जांदा है। वर्तियां जाण वालियां सब्सिडियरी बुक्स हन कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेएबल बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। पहला असी कैश बुक बारे अध्ययन करांगे। ए जरूरी अते यूजफुल है कि एक बिजनेस लई लगातार कैश अते अपने कोल उपलब्ध बैंक बैलेंस नूं जाने। इस उद्देश लई अते कैश ट्रांजैक्शंस नूं दर्ज करन दी सहूलत लई कैश बुक नूं तैयार कीता जांदा है। एक फर्म विच कैश ट्रांजैक्शंस दी गिनती बहुत ज़्यादा होंदी है अते इस लई एक अलग कैश बुक नूं अजिहियां ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना सुविधाजनक होंदा है। ए बुक किसे नूं वी कैश इन हैंड जां बैंक विच किसे वी समय बैलेंस जानन दे योग बनाउंदी है। कैश बुक दे लक्षण हन। कैश बुक विच केवल कैश ट्रांजैक्शंस नूं ही रिकॉर्ड कीता जांदा है। सारियां कैश रिसिप्ट्स नूं डेबिट साइट ते अते सारियां कैश पेमेंट्स नूं क्रेडिट साइट ते दर्ज कीता जांदा है। ए केवल ट्रांजैक्शन दे एस्पेक्ट नूं ही रिकॉर्ड करदा है भाव के कैश नूं। सारियां कैश ट्रांजैक्शंस नूं मिति क्रम अनुसार कैश बुक विच रिकॉर्ड कीता जांदा है। ए दोनों जर्नल अते लेजर दे फंक्शन समान समय ते करदा है।
ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼ ਕਾਲਮ, ਡਬਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਲਮ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ, ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਲਮ, ਪੈਟੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ। ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼ ਕਾਲਮ। ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼ ਕਾਲਮ। ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਕਾਲਮ ਨਾਲ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਰਿਸਿਪਟਸ ਆਫ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਮਸ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੇਟ, ਰਿਸਿਪਟਸ, ਪੇਮੈਂਟ, ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਯਾਨੀ LF, ਅਮਾਊਂਟ। ਡੇਟ, ਡੇਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਿਪਟਸ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਊਚਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਊਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ, LF, ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਾਊਂਟ, ਰਿਸੀਵਡ ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਅਮਾਊਂਟ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਪੇਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਰੀਖਣ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੈੱਕ ਰਿਸੀਵਡ ਔਰ ਗਿਵਨ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਊਡ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਡਬਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਲਮ। ਉਹ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਾਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਲਮ ਡੈਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਲਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਲਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਾਲਮ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦਰੋਵਲਸ ਅਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਭਾਵ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ
ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੋਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੋਲਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕੋਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਜੇਕਰ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਓਪਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਬ੍ਰੌਟ ਡਾਊਨ। ਜੇਕਰ ਉਸੀ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਸਟਮਰਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਉਸੀ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਉਸੀ ਦਿਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੋਲਮ ਅਤੇ ਚੈੱਕਸ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਟਰਾ ਐਂਟਰੀ, ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ 3-column ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਇਸ ਵਰਸਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਟਰਾ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਆਫਿਸ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਕੈਸ਼, ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲੈਟਰ ਸੀ ਨੂੰ LF ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਂਟਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਲੈਜਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲਮ ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਚੈੱਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਾ ਐਂਡੋਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਿਪਟ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡੋਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈੱਕਸ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਬੁੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ, ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
आओ ट्रिपल कॉलम कैश बुक दी एक उदाहरण नू हल कर दे हां। एग्जाम्पल 1 जनता स्टोर्स दियां हेठ लिखियां ट्रांजैक्शंस नू ट्रिपल कॉलम कैश बुक विच दर्ज करो। 2009 मार्च 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 9000 मार्च 1 डिपॉजिटेड इन द बैंक रुपीज 4000 मार्च 2 परचेस्ड ऑफिस इक्विपमेंट रुपीज 1000 मार्च 4 कैश परचेजेस इश्यूड चेक रुपीज 2500 मार्च 8 रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमर ऑन अकाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 3500 रुपीज 3250 मार्च 10 कैश सेल्स रिसीव्ड चेक एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक रुपीज 1270 मार्च 15 ऑफिस एक्सपेंसेस रुपीज 275 मार्च 25 ऑफिस रेंट पेड बाय चेक रुपीज 300 मार्च 28 received check from Vijay and endorsed the same to Ajay rupees 400 March 30 paid advance income tax by check rupees 575 1 March the transaction bank which deposit ek contra entry hai क्योंकि बैंक अते कैश दोनों ही इस एक एंट्री विच शामिल अकाउंट्स हैं। मार्च 8 ते ट्रांजैक्शन पूरे सेटलमेंट विच प्राप्त पाव रिमेनिंग अमाउंट 250 साडे द्वारा दिता गया डिस्काउंट है। जदों के इस चेक दे बैंक विच डिपॉजिट करन दी जानकारी दा पता नहीं है, इसलिए इस नू मनिया जाएगा कि कैश प्राप्त कीता गया जिसनु बाद दी डेट विच बैंक विच जमा कराया जाएगा। मार्च 28 दियां ट्रांजैक्शंस विजय तो प्राप्त कीते गए चेक नु कैश कॉलम विच दर्ज कीता गया है क्योंकि उसने ही क्रेडिटर अजय नु एंडोस कीता गया। मार्च 30 दियां ट्रांजैक्शंस एडवांस इनकम टैक्स दी अदायगी नू ड्रॉइंग्स दे तौर ते मनिया जाएगा क्योंकि इकल्ले प्रोपराइटर ते इनकम टैक्स नू उस दे पर्सनल एक्सपेंडिचर वजो मनिया जाएगा ना के बिजनेस दे एक्सपेंडिचर वजो। सॉल्यूशन 1 जनता स्टोर्स कैश बुक मार्च 1 2 कैपिटल अकाउंट कैश रुपीज 9000 मार्च 1 2 कैश कॉन्ट्रा एंट्री बैंक रुपीज 4000 मार्च 8 2 अमर डिस्काउंट रुपीज 250 कैश रुपीज 3250 मार्च 10 2 सेल्स अकाउंट बैंक रुपीज 1270 मार्च 28 2 विजय कैश रुपीज 400 मार्च 1 बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री कैश रुपीज 4000 मार्च 2 buy office equipment cash rupees 1000 march 4 buy purchases bank rupees 2500 march 15 buy office expenses cash rupees 275 march 25
by office rent, bank, ₹300. March 28, by Ajay, cash, ₹400. March 30, by drawings, bank, ₹575. March 31, by balance carried down, balancing figure, cash, ₹6,975, bank, ₹1,895. April 1, 2 balance brought down, discount nil, cash 6,975, bank ₹1,895. April 1, buy balance brought down, discount ₹250. कैश बुक दी चौथी किस्म है बैंक कैश बुक, बैंक अते डिस्काउंट कॉलम। जदों एम्प्लॉइज द्वारा कैश नू संभालिया जांदा है तां ए हमेशा खतरा रहंदा है कि एम्प्लॉइज कैश विच कपला कर सकदे हन। इस खतरे नू घट करन दे लई कोई भी बिजनेस यूनिट इस पॉलिसी नू इख्तियार करदी है सारा प्राप्त कीता कैश बैंक विच ज्यों दा त्यों जमा कराया जांदा है, भाव के प्राप्त कीते कैश दे किसे भी भाग नू डे टू डे पेमेंट्स लई नहीं वरत्या जांदा। सारे प्राप्त कीते चैक्स नू कलेक्शन लई बैंक विच भेजिया जांदा है, सारियां पेमेंट्स चैक्स जारी करके कीतियां जांदियां हन। कैश बुक दी पंजवी किस्म है पेटी कैश बुक। एक बिजनेस विच लार्ज पेमेंट्स तो इलावा बहुत सारिया स्मॉल पेमेंट्स जिवें के कन्वेयंस, स्टेशनरी, कार्टेज आदि लई कीतियां जांदियां हन। जेकर इन्हां सारिया पेमेंट्स नू कैश बुक विच दर्ज कीता जाए ए अनवील्डी बनदियां हन। इसलिए फर्म्स लई एक व्यक्ति नू पेटी कैशियर दे तौर ते नियुक्त करना जरूरी होंदा है अते उस नू स्मॉल पेमेंट दा काम सौंपिया जांदा है, कह लो ₹250 तो हेठां। पेटी कैश बुक दा इंप्रेस्ड सिस्टम ए सुविधाजनक है। एक निश्चित राशि नू समय दे शुरू विच पेटी कैशियर नू सौंपिया जांदा है अते समय दे अंत ते पेमेंट्स नू वापस कीता जांदा है। इस प्रकार नवे समय दे शुरू विच उस कोल एक फिक्स्ड अमाउंट हुंदा है। अजिहे सिस्टम नू इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश कहा जांदा है। पेटी कैश बुक दियां दो टाइप्स होंदियां हन, सिंपल पेटी कैश बुक अते एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आओ हुण असी उन्हां दा एक एक करके अध्ययन करदे हां। सिंपल पेटी कैश बुक, इसनों सिंपल कैश बुक भी लिखिया जांदा है। आम तौर ते एक कॉमन कॉलम डेट अते पर्टिकुलर्स लई दोनों रिसिप्ट्स अते पेमेंट्स द्वारा तैयार कीता जांदा है। ए एस फैक्ट करके कीता गया है क्योंकि रिसिप्ट्स साइड ते एंट्रीज सीमित होंदियां हन, भाव के एक जां दो ही। सिंपल पेटी कैश बुक दे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नू इत्थे देखा जा सकदा है। सारे कॉलम्स अपने आप व्याख्या करदे हन। CBF दर्शाउंदा है कैश बुक फोलियो, वी नंबर पाव वाउचर नंबर अते LF पाव लेजर फोलियो।
एनालिटिकल पैटी कैशबुक खर्चे दे सूटेबल हेड दे अंतर्गत पिन कॉलम्स विच वख-वख पैटी कैश नू रिकॉर्ड करन दा ए एक बहुत वधिया तरीका है। ए वख-वख कॉलम्स दे टोटल्स तो एक्सपेंसेस नू लेजर विच अनुसारी अकाउंट्स नू पोस्ट करन ले सहूलत देंदा है। इस बुक नू एनालिटिकल पैटी कैशबुक कहा जांदा है क्योंकि वख-वख पेमेंट्स नू अनुरूप कॉलम्स विच पाउंड ते अपने आप एनालाइज होंदा है। एनालिटिकल पैटी कैशबुक दी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नू इत्थे देखा जा सकता है। एनालिटिकल पैटी कैशबुक दी स्टैंडर्ड फॉर्म नू इत्थे देखा जा सकता है। इस एपिसोड विच असी ओरिजिनल एंट्री दियां बुक्स विच ट्रांजैक्शंस दी रिकॉर्डिंग अते विशेष उद्देश दियां बुक्स कैश बुक्स बारे सिखिया है। उम्मीद करदी हां तुहानू एपिसोड चंगी तरह समझ आया होवेगा। धन्यवाद।